नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे शिवांश निगम वे यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में है, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे आने वाले टाइम में हमें निफ्टी 50 के चार्ट पे कहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा और कुछ नोट्स भी मैंने रखे हुए हैं। एक साइकोलॉजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले। दोस्तों, दुनिया के सबसे मशहूर निवेशक वॉरेन बफे, जिन्हें सबसे सक्सेसफुल निवेशक भी माना जाता है, वो ये कहते थे कि मार्केट में जब भी सारे लोग ग्रीडी हो जाएं, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए, और जिस टाइम पे सारे लोगों में पैनिक हो, सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाएं, बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो जाएं, उस टाइम आपको ग्रीडी हो जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये वो टाइम है जब सारे लोग ग्रीडी हैं, या फिर ये वो टाइम है जब सारे लोग पैनिक में हैं, हाहाकार मचा हुआ है, US ईरान का डिस्प्यूट हो रहा है, न्यूज़ में तरह तरह की आप चीज़ें देख रहे हैं, ये भी न्यूज़ में आ रहा है, कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स कह रहे हैं कि ईरान USA का पानी निकाल देगा, USA को नाकों तले चने चबाने पड़ेंगे, और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं, US और ईरान में युद्ध हो जाएगा, दोनों देशों के बीच कोई भी समझौता नहीं हो पाएगा, और तरह तरह की बातें। तो चलो इस पे भी मैं थोड़ी सी भी बात करूँगा, बट फिलहाल वॉरेन बफे साहब के इस कोट से मैं आज की वीडियो को शुरू करना चाहता हूँ और एक साइकोलॉजी आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। दोस्तों, साइकोलॉजी जो आज की वीडियो से हमें सीख जो मिलती है, जो आज निफ्टी गिरा था, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि निफ्टी की आज की जो गिरावट थी वो हमने व्हाट्सएप, अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप था ऑलरेडी, इस व्हाट्सएप ग्रुप पे जो शिवांश निगम स्टडी ग्रुप के नाम से है, यहाँ पे मैंने एक आपको यहाँ पे मैसेज डाला हुआ था कि देयर आर चांसेस ऑफ ब्लड बाथ ऑन मंडे, यानी लाल रंग आपको मंडे के दिन पे दिख सकता है। और इसके ऊपर एक और मैसेज ये भी डाला था कि निफ्टी को 12,350 के ऊपर क्लोज करना होगा अगर हम और अपसाइड देखना चाहते हैं तो, और निफ्टी ने 12,350 के ऊपर क्लोज नहीं किया, और मंडे को जैसा कि हम जानते हैं आज निफ्टी 200 से भी ज़्यादा पॉइंट गिरी, और बैंक निफ्टी तो लगभग 800 पॉइंट के आसपास गिरी है। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि देखो वीडियो पे तो आपको यूट्यूब पे तो जब वीडियो बनेगी तभी आपको अपडेट मिल पाएगी, लेकिन व्हाट्सएप पे अगर आप ज्वाइन रहेंगे तो आपको लाइव मार्केट के दौरान अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तुरंत आते हैं साइकोलॉजी पे, जो हमें चीज़ आज से समझनी है। आज निफ्टी 50 की जो फॉल है उससे हमें समझना क्या है। दोस्तों, मार्केट्स जो कि मैंने देखा है, चाहे किसी भी देश की मार्केट हो, जब भी अपने लाइफ टाइम हाई पे होती है मार्केट, उस टाइम पे एक पैनिक सिचुएशन ज़रूर क्रिएट की जाती है, कुछ ना कुछ बुरी न्यूज़। स्पेशली इंडियन मार्केट के साथ ऐसा होता है कि जब भी इंडियन मार्केट्स अपने लाइफ टाइम हाई पे हैं, पूरे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ इंटरनेशनली कुछ ना कुछ ऐसी बुरी न्यूज़ आती है कि मार्केट को करेक्ट होने का एक बहाना मिलता है। दोस्तों, आज से कुछ टाइम पहले मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैंने एक हेटेड बुल मार्केट की बात की थी। दिखा देता हूँ आपको, हेटेड वर्ड से शायद आ जाना चाहिए, और ये देखो मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, देखते हैं ये मैसेज कितनी देर में खुलता है। ये हेटेड बुल मार्केट वाला फेज़ है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हेटेड बुल मार्केट होती क्या है। दोस्तों, असल में मैंने यहाँ पे ये कहा हुआ था कि जो हमारी मार्केट है इस टाइम पे, जिस तरीके से ये मार्केट निकली, इतनी तेज़ी से दो दिन में सारा काम हो गया कि लोगों को समय ही नहीं मिला बिल्कुल भी पोजीशन बनाने का। और अभी भी ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स चलने लग गए हैं, निफ्टी 50 के केवल टॉप के जो 10 स्टॉक्स हैं वही चल रहे हैं, और वो इतना चल रहे हैं कि निफ्टी को इतनी ऊपर तक ले आए हैं, और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अभी भी तेज़ी नहीं आई है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पोर्टफोलियो में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हैं, और वो खुश नहीं है मार्केट को इस लाइफ टाइम हाई पे देख के, वो अभी भी खुश नहीं है क्योंकि उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है। ये वाली जो बुल मार्केट होती है जहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है लेकिन लोग प्रॉफिट पे नहीं हैं, ये होती है हेटेड बुल मार्केट। और मैंने यहाँ पे मैसेज डाला है कि इसका जो पहला फेज़ होता है ये काफ़ी उतार चढ़ाव वाला होता है, और इसके नीचे मैंने ये भी लिखा है। दोस्तों, क्यों उतार चढ़ाव वाला होता है जो पहला फेज़ होता है हेटेड बुल मार्केट का? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो टॉप पे कुछ स्टॉक्स को, जब उनकी प्राइसेस बहुत महंगी थी उस टाइम पे उन स्टॉक्स को ख़रीदे हैं, और अब क्योंकि मार्केट बुलिश हो रहा है, उन स्टॉक्स के जो प्राइजेस, जिन प्राइजेस पे उन्होंने लिए हैं वो प्राइजेस आएंगे, तो वो लोग कोशिश करेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर हल्का फुल्का प्रॉफिट लेके अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, और इसलिए
ये जो पहला फेज़ होता है बुल मार्केट का, इसमें बेयर मार्केट्स भी आती हैं, हालांकि बेयर मार्केट्स नहीं कहूँगा बट करेक्शन फेजेस भी आते हैं। तो इसलिए जो पहला फेज़ होता है वो ज़रूर हमेशा ही वो ऐसा ही उतार चढ़ाव भरा रहता है, ऐसा कभी नहीं होता कि एकदम से मार्केट भाग जाती है। जैसे पहले भी मैं मैसेज डाला था कि 12,000 के जब ऊपर थी मार्केट 12,100 के आसपास, तो भी मैसेज डाला था कि कुछ चांसेस हैं कि 12,500 तुरंत चली जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि धीरे धीरे करके मार्केट वहाँ तक जाएगी, और बिल्कुल वही हो रहा है। तो चलो वापस आ जाते हैं चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट को डिस्कस करने से पहले साइकोलॉजी मैंने आपसे डिस्कस कर ही ली कि जब भी मार्केट लाइफ टाइम हाई पे होती है पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, और यही स्टॉक मार्केट है दोस्तों, यही चीज़ें आपको समझनी है। मार्केट हमेशा रिटेल ट्रेडर्स को बाहर निकालना चाहती है, हमेशा कोई बड़ी मूव करने से पहले, कोई बड़े अपट्रेंड में जाने से पहले छोटे छोटे जो निवेशक हैं जो कि उत्तेजित हो गए थे इस तेज़ी को देख के बाज़ार में, वो अब क्योंकि अपनी पोजीशंस बनाना शुरू कर रहे हैं, तो मार्केट उनको बाहर का रास्ता दिखा रही है। क्योंकि मार्केट आपको टेस्ट करती है, आपका विश्वास टेस्ट करती है, आपकी पेशेंस टेस्ट करती है। माफ़ी चाहूँगा अगर आपको लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा बोलता है, बट मैं अपनी वीडियो में साइकोलॉजी पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग मात वहीं पे खाते हैं। तो चलिए तुरंत ही हम शुरू कर देते हैं निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पे। इसके बाद एक और स्टेटमेंट आपसे कहूँगा जिसको आप पूरी लाइफ याद रखना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं RSI की। तो RSI इस टाइम पे 43 है, जिसको कुछ लोग बेरिश मान सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जब एक बहुत ही मजबूत बुल ट्रेंड चल रहा हो, एक बुलिश ट्रेंड में मार्केट हो, तो उस टाइम पे 40 से 50 के बीच अगर RSI की वैल्यू है, तो मेरा जो मानना है वो एक अच्छे सपोर्ट लेवल की तरह काम करती है। तो RSI एक अच्छा सपोर्ट यहाँ से हमें बनाता हुआ दिखा रहा है निफ्टी के लिए। MACD फ़िलहाल तो पॉजिटिव है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी बेरिश सिग्नल हमें MACD की तरफ से मिल रहा है। उसके बाद आते हैं ADX पे। तो ADX भी अभी 25 के ऊपर है, तो हमें ADX यही सजेस्ट कर रहा है कि जो ट्रेंड अभी तक मार्केट में चल रहा था वो ट्रेंड अभी भी मार्केट में बना हुआ है। तो अब इंडिकेटर्स को हटा देते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स तो होते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए। दोस्तों निफ्टी अभी पिछले कुछ टाइम से दो ट्रेंड लाइंस के बीच में चल रहा था। जो लोग HDFC AMC का वीडियो देखे होंगे वो ज़रूर इसमें ट्रेंड लाइन पैटर्न को समझते होंगे कि जब भी ऊपर जाता है यहाँ से शॉर्ट हो जाता है और नीचे की तरफ आके फिर नीचे से सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है शॉर्ट हो जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है नीचे सपोर्ट लेता है। और अब देखो ऊपर गया है, तो यहाँ से शॉर्ट ज़रूर होना चाहिए, सेल ज़रूर होना चाहिए, और नीचे के लेवल में आके नीचे से सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन ये जो नीचे का लेवल है ये दिख रहा है मुझे लगभग 11,000 का। तो क्या मार्केट सच में वापस जा सकती है 11,000 पे? इसके लिए हम चार्ट को थोड़ा जूम करेंगे और देखेंगे। आज मैंने एक मैसेज जो डाला है उस मैसेज को डालने का मेरा क्या बेसिक एम है। तो दोस्तों इस फॉल से पहले जो मार्केट का हमें सपोर्ट दिख रहा था वो लगभग दिख रहा था 12,100 के रीजन में हमें सपोर्ट दिख रहा था, लेकिन क्योंकि मार्केट एक ही दिन में 12,100 का सपोर्ट तोड़ा और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लगभग 11,988 का सपोर्ट मार्केट ने बनाया हुआ है, जहाँ पे 50 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो 50 EMA है ये एक माइनर सपोर्ट की तरह काम ज़रूर करती है। अब इन ट्रेंड लाइंस को हटा देते हैं क्योंकि इनका हमारे लिए कोई काम है नहीं। तो ये जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल, ये एक माइनर सपोर्ट की तरह काम ज़रूर करती है, लेकिन जो मेजर, जो असली मेजर सपोर्ट है निफ्टी का, वो है ये ग्रीन लाइन 11,840 की, या 11,800 की रेंज में आप इसको समझ सकते हो कि 11,800 निफ्टी के लिए एक मेजर सपोर्ट लेवल है। तो मेरे हिसाब से अगर आने वाले टाइम में हमें निफ्टी 11,800 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल 11,700 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में बाइंग करनी चाहिए, और अपर साइड में अब 12,400 और 12,500 तक भी निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। अब आती है दूसरी कंडीशन कि क्या हो अगर निफ्टी 11,700 के भी नीचे चला जाए, क्योंकि यही लाइन जो हमें दिख रही है 11,692 की लाइन है। तो इसके बाद दोस्तों ऐसा नहीं लग, तो देखो चार्ट को देखने से लग रहा ये रहा है कि कोई भी सपोर्ट बीच में नहीं है और सीधे फ्री फॉल है 11,100 तक, बट शायद आप भूल रहे हो कि पीछे सपोर्ट, सारे सपोर्ट लाइंस का बाप खड़ा है, यानी 200 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो 11,500 के आसपास निफ्टी को सपोर्ट देनी चाहिए। तो ये तो हो गया कि टेक्निकल चार्ट हमें क्या बताता है। टेक्निकल चार्ट अभी इंडिकेटर्स के टर्म्स में तो हमें यही बताता है कि बुल ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए, और ये जो मूव आई है इससे कोई बहुत बड़ा हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
उसके अलावा टेक्निकल चार्ट ये भी कहता है कि अगर गलती से निफ्टी 11,800 के नीचे जाए तो 11,700, और अगर 700 के नीचे भी क्लोज कर जाए तो फिर सीधे 11,100 या फिर 11,500 के आसपास निफ्टी जाते हुए दिख सकता है। बट मेरे हिसाब से 11,100 ज़्यादा बेटर रहेगा अगर 700 के नीचे जाता है तो। अब ये तो बात हो गई टेक्निकल चार्ट्स की, अब समझते हैं कि मैं क्या यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, मेरा क्या ओपिनियन है। दोस्तों मेरा ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ एक है निफ्टी के विषय में, निफ्टी को लेके इस टाइम पे जो मेरा व्यू है वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि एक बुलिश मार्केट में हर नेगेटिव न्यूज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए और एक बेरिश मार्केट में हर पॉजिटिव न्यूज़ को नेगेटिव लेना चाहिए। ये जो पहला फेज़ होता है हेटेड बुल मार्केट का, इसमें कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ ना आए तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया, या छोटी मोटी पॉजिटिव आ जाए तो भी ठीक है, बट इस तरीके की बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है अगर इस पहले फेज़ में तो ये बहुत ही बढ़िया सिग्नल है। क्योंकि इस टाइप की जो मार्केट्स जो जिस तरीके से निफ्टी यहाँ पे डेवलप हो रहा है और जिस तरीके से कंडीशंस बन रही हैं, मुझे लगता है कि निफ्टी बहुत ही लंबी दूरी तय करने वाला है। रिटेल ट्रेडर्स को इसीलिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आप लोग कहोगे कि सर यूएस ईरान का वॉर हो रहा है तो उस पर तो काफ़ी बुरा असर पड़ेगा मार्केट्स में। फ्रेंड्स मुझे लगता है केवल 5% चांसेस हैं कि सच में कोई युद्ध हो जाए दोनों देशों के बीच, क्योंकि मुझे लगता है आज के टाइम में दो वर्ल्ड वॉर्स, क्योंकि ऑलरेडी सारे देश देख चुके हैं, सब जानते हैं कि जो वॉर होता है जो युद्ध होता है उसमें दोनों ही देशों का नुकसान होता है, किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, तो कोई भी देश वॉर करना नहीं चाहेगा। लेकिन हाँ शब्दों में कोई भी देश दूसरे देश से अपने आप को कमतर भी नहीं दिखाना चाहेगा, तो मुझे ये तो नहीं लगता कि वॉर होगा यूएसए और ईरान में कोई भी, और अगर वॉर नहीं होता है तो आप समझो कि बाद में मार्केट को वहाँ पे कितना बड़ा पॉजिटिव मूव मिल सकता है। और चांसेस क्योंकि सिर्फ 5% है तो मुझे लगता है 5% चांसेस पे मार्केट को शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्लस आज की जो मूव थी मार्केट की प्योरली न्यूज़ बेस्ड मूव थी, तो उसके बेसिस पे हमें कोई ऐसा डिसीजन भी नहीं लेना चाहिए कि निफ्टी अब गिर जाएगा 11,100 या 11,000 लेवल तक। मुझे लगता है यहाँ पे डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के फेजेस स्पेशली पहले फेज़ में ज़रूर आते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, इसको बहुत ऊपर तक जाना है, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन रखिएगा, क्योंकि अगर हम गलत हो जाएंगे, अगर चार्ट बदल जाएगा तो फिर हमें घूमना पड़ेगा, हमें मार्केट में अगर हम ट्रेड लेने आए तो हमें दोनों साइड पर रहना ही पड़ेगा। तो 11,700 का मुझे लगता है अगर आप निफ्टी को बाई करना चाहें तो इस लाइन का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बाइंग का एक अच्छा लेवल बनेगा जब 11,800 के आसपास निफ्टी मिले। ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से अब निफ्टी गिर के 11,800 होगा, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बट आपको अपना व्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना ओपिनियन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि होना क्या चाहिए। अगर पर्सनली मेरा ओपिनियन जानना चाहें तो मैं तो ये कहूँगा कि निफ्टी को इसी लेवल से बाइंग कर सकते हैं, टारगेट आपको 12,400, 12,500 और अपर साइड में 12,800 तक का भी देखने को मिल सकता है निफ्टी के चार्ट पे। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी हमारी वीडियो के बारे में बताइएगा ताकि वो भी हमारे व्यूज़ से फ़ायदा उठा पाएँ। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।